मैंने कोई बकरी आ चक्री और चक्री तू साड़ी की पुआवेगी मैं आएगी कि चक्री पुआ देगा हुक्म अल्लाह का हिम्मत अपनी दे नाल अस्सलाम वालेकुम जी वेखो पंजाब चैनल ते जी आयां नूं सुणियो जिउंदे वास्ते रहो रब सोणा तुहानूं सलामत रखे मैं सजाद जट एक नवीं ते एक दिलचस्प जी कहानी तुहाडे सामने रखण लगा वां एक मजाही अदाकार नज़र साहब दी कि किस तरह जदों क्योंकि वह जहाज ते नहीं सन बैंदे हुंदे जिथे किते भी शूटिंग ते जाणा ना वह अपनी हमेशा वैन लैके जांदे सी गड्डी रखी सी उहनां जिहदे विच उहनां दी बीवी उहनां दा खाण पीण सौण दा समान वी सारा कुछ हुंदा सी फिर किस तरह जो पहली दफा वो हवाई जहाज का सफर कर लगे की वाकया सरा बनया सी ऐसी दिलचस्प कहानी का तुहानूं पहले पता नहीं होना उन्होंने रूज के जमाने का लो फिर वो सारा वाकया तुहाडे सामने में रखना यकीन तुहानूं स्वाद आएगा चैनल तक नवे हो तो सबसक्राइब जरूर करो मुहब्बतां दिया करो तो वीडियो नूं लाइक भी कराया करो अगे यारा बेलिया नाल शेयर भी कराया करो सोहणियो सुए कपड़े हो गए काले ए जी 1969 दा साल सी ते फिल्म एक बन रही सी जिहदा नाम सी जंगली वो फिल्म लिखी सी अपना अली सुफियान अफाकी साहब ने ते इहदे डायरेक्टर सन हसन तारिक साहब इहदे विच मेन हीरो दा रोल कर रहे सन अलाउद्दीन साहब ते हीरोइन दा रोल कर रही सन नीलो बेगम साहिब जिहड़े नज़र साहब ने वह ये अलाउद्दीन साहब के बेली बने होंगे ने ठीक है सावन साहब ये विलन का शानदार रोल कर रहे अजमल साहब ने नीलो की माँ नीलो के प्यो का रोल किया फिल्म की शूटिंग ज्यादातर जंगल में होनी सी जिहड़ा कि मशरकी पाकिस्तान बंगलादेश दे जंगल से यह सारी उत्थे समझो कि 80% उत्थे शूट होनी सी अच्छा नज़र साहब की गल करन तो पहले फिल्म की पूरी कहानी नहीं ना तुहानूं सुनावांगा तो तुहानूं नज़ारा नहीं आएगा तो आखिर वाकया हुंदा की है क्यों उन्होंने बाहर जाना पैंदा इस फिल्म की शूटिंग सी अपना उस जमाने के मशरकी पाकिस्तान 1969 का साल 1968 का बाकी सारे अदाकार टुर जाते हैं उधर पिछे रह जाते हैं नज़र साहब हुण नज़र साहब जदों रह जांदे ने ना ते नज़र साहब जदों भी किते शूटिंग वास्ते आउटडोर जांदे सी ते इन्हां ने खुद अपनी एक वैन तैयार करवाई सी जिहदे विच इन्हां दीआं दो बीवियां ते माशाल्लाह काफ़ी बच्चे सी लेकिन दोनों बीवियां चों वारी वारी एक बीवी जरूर इन्हां दे नाल सफर ते हुंदी सी उहदे विच खाण पीण रहण बहण सौण दा सारा मामला जिहड़ा ना उह वैन दे विच उहनां दा फिट कीता हुंदा सी जिवें अज कल दे जमाने च बॉलीवुड दे जिहड़े हीरोज़ ने उहनां दे सिस्टम कीता हुंदा ते नज़र साहब का उरूज का जमाना सी सोहणियो मजाइया बहुत वड्डा एक्टर होया बंदा लिहाजा जदों दूजे शहरों में शूटिंग वास्ते जांदे सी ना बाकी अदाकार ते तरजीह देंदे सी हवाई जहाज नूं हैं बाई एयर जाना लेकिन नज़र साहब जिहड़े ने उह अपनी गड्डी ते जांदे हुंदे सन या ट्रेन ते चल जाना हुण उधर मशरकी पाकिस्तान ट्रेन ते थोड़ी जानी सी लिहाजा सब ने आख्या कि नज़र साहब इस वारी तुहानूं जहाज का सफर पहली वारी करना ही पैना चलो जी रोल ही बड़ा अच्छा सी फिल्म ही नहीं छड़ सकते राजी हो गए जी हुण इस फिल्म दे विच नीलो ने जिहड़ा ना अजमल दी धी दा रोल कीता जिहड़े के समझो कि शहर विच कतल करके बंदा जिहड़ा ना अजमल ते ओह जंगलां विच जा डेरे लांदा छुपदा छुपांदा जिथों उहदी धी जिहड़ी है ना ओह फिर जवान हुंदी है उहनूं पालदा पोसदा ओह सारी उम्र जदों जवान हुंदी है नीलो ते ओह अपने प्यो तों इलावा उहने किसे होर नूं वेख्या नहीं हुंदा एक दफा जंगल च फिर रही है जानवरों के जिथे उन्होंने अलाउद्दीन जिहड़ा हीरो हुंदा वह नज़र आ जाता हूँ जो नज़र आता तो वह उड़ती जी घर आँदी अपनी झोंपड़ी में आके दस दी है अपने प्यो न कि मैं सराबा तेरे वर्गा एक जरा बंदा वेख्या कोई जी वेख्या समझाता कि पुत्र तू गां जरा ना ये मरद तो मरदा तो तू बच के रहना वह फिर आँदी बड़ी भोली भाली जी बनी कि अब्बा मरद तू ही है उन्हें कहा धीए मैं तेरा प्यो हाँ तू तेन नहीं पता यह गलों का लिहाजा तेन मैं बचाना इन्हों लोगों तो चलो खैर वेला लंघता है तो एक बार फिर उन्होंने जोड़ा ना जंगल में नज़र आ जाता भज पी वेख के कि अबे आख्या तू इन्हों तो बच के रहना वो अलाउद्दीन भी पिछे भज पे उन्होंने डक ली गल है तू क्यों डरनी है फिर वो दसदी है कि वो जो असल जो जी इन्नी भोली होंगी है विखाई है नीलो कि जो गल बहर होंगी है सारिया गल अपने प्यो में जाके दस दी तो वो मतलब पूछती है जी इस तरह करके कहानी सी फिर सावन दे विच खूनखार जंगली कबीले का सरदार विखाया सी अलाउद्दीन ऐसा सी कि जिहड़ा
जंगल के जो जानवर ने उन्होंने फड़ के बाहर मुल्कां च वेचता सी। बड़ी शानदार स्टोरी। हुण नजर साहब ने बाहर जाना इस फिल्म की शूटिंग वास्ते, जो अलाउद्दीन का यार बनता, पहली दफा जहाज से सफर करना होंगे। हुण सरकार मेरी इन्होंने घर जो महफल हो रही ने, मजालस हो रही ने, दुआवां ते दरूद दीआं महफल हो रही ने, फिर अमाम जामन बनने जा रहे ने। इन्ने कहिंदे ने तरीक गवाए कि इन्ने अमाम जामन बन दिते उन्होंने बाहों नूं, कि नज़र नज़र सुका जिहा पतला जिहा शरीर सी उस बंदे दा, उहदे तों वजनी भारी हो गए बहुते। हुण इहदे च इन्हां दे बच्चे रो रहे ने, बेगमातां रो रहीआं ने, जदों अलविदा करन वास्ते गए ने जिवें पता नहीं बंदा अमरीका फतह करन जा रहा जी, क्योंकि पहली बार जहाज से सफर करना सी। खैर उहदे विच नज़र साहब भी आप दीदा हो गए, वह भी रोन लग पए एंड ते आ के। चलो जी, किस्सा मुख्तसर के किसे कीतिया उस बंदे नूं बिठा ही दिता गया जाजे। चलो जी, जाजे चाढ़ दिता, औखे सौखे अखां बंद बुंद करके सरकार ढाके जा अपने हुण उत्थे अपड़दे ने। उहते फिल्म दी जिहड़ी ना फिर शूटिंग हुंदी है, अगों इह बंदा जानवरां तों बहुत ज्यादा डरदा है, त्रिंदा है, त्रिपकदा है। उत्थे जंगल दे विच सारी शूटिंग सी, लिहाजा उत्थे टेंट शेंट लाए गए। रात नूं ऐसा होया कि तूफान आ गई, नेरी आ गई। हुण उस तों पहले अलाउद्दीन साहब ने एक चीते का जरा बच्चा ना बलूंगड़ा वह फड़ लिया, हूँ उन्होंने अपने वो खेमे लैन दा, खेमे जंगल च ला दिते गए सन। नज़र साहब जिहड़े ने डरन, वो आखन यार खुदा दे बंदे हो, इहनू छड्ड दवो, क्योंकि इहने तो मां प्यो ने आउणा तो उन्होंने सानू जनाब अली हमला कर देना, तो असीं मारे जावांगे, सानू खा पी जाणगे, चीर पाट देणगे। वह सारे नाले तो इंजॉय कर नज़र साहब नू, ते नाले वो बच्चे ना सारा, क्योंकि बड़ा खेडते रहे हर वेले। वह अलाउद्दीन साहब ने मोढ़ियां ते चुकी रखना, वह भी मानूस हो गया जी। ये खुद कहानी किन्ना सुनाई है अली सुफियान अफाकी साहब ने, जिहड़े राइटर है इस फिल्म दे, उन्होंने अपनी बुक विच भी लिखिया। वह भाई फिर जब रात नूं तूफान नेरी आउंदी है ते वह सारे खेमे उखड़ जांदे ने, उल्ट पुल्ट हो जांदा सारा कुछ, लिहाजा फिर वह सारा कुछ छड़ छड़ा के दोबारा जिहड़ा ना इन्हां नूं वापस आना पैंदा। फिर हसन तारिक साहब अपना की करते हैं कि इत्थे सैट सुट ला के ना, तो पाकिस्तान इधर, मगर भी पाकिस्तान इधर ही है जी फिल्म है ना, अगे काफ़ी शूट होंगी है। ये फिर सारा यूनिट जो वापस आ जाता है, लेकिन खुदा खुदा करके समझो कि रब सुने करम की मौजदा विखाया कि उस बारिश से तूफान नेरी झखड़ कोई भी अदाकार जोड़ा ना कोई नुकसान ना हो, लिहाजा वापस टुर आए। फिर सैट ला के इतने बारी एवर न्यू स्टूडियोज इतने, फिर वह सावन जरा के खूंखार जंगली कबीले का सरदार विखाया, वोदी तो दूजी अलाउद्दीन साहब की फाइट होंगी है जिन्हों इत फिल्माया गया। इतने वस्तियां तमीर कीतियां गई, सैट लगे, बड़ा काम होया यार, शानदार सारा काम। फिर कुदरत को ऐसा मंजूर सी कि आ फिल्म जी मुकम्मल ना हो सकी, सारे अदाकारां दी हदायतकारां राइटरां दी सारी मेहनत पानी फिर गया। फिर वो ना अजमल साहब रहे, ना नीलो बेगम रही, ना फिर हसन तारिक साहब रहे, ना फाकी साहब रहे, ना अलाउद्दीन साहब रहे। ये जंगली फिल्म जड़ी है ना एक किस्से कहानियां तक हुण रह गई है, जितों फिर नैगेटिव भी बाकी इस फिल्म दे नहीं रहे, बस यादा ते कहानियां विच फिल्म जड़ी है ना जिंदा। तो वह मैनू तो वह अपना नज़र साहब का वाकया सुन के बहुत हासा, जो मैं किताब च पढ़िया ना तो बड़ा हासा है, तो सुद भी है। मैं यार किहो जे साडे इक सोहणे ते भोले 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 भाले आर्टिस्ट हुंदे सी। अल्लाह पाक सब दी मगफरत फरमाए। उम्मीद करांगा तुहानू वाकया पसंद आया, दिओ इजाजत, किसी होर इस तरह के वाकये दे नाल तुहाडी सेवा च आउंदे आ जी। रब राख।